तो सबसे पहले रसमन हम आपको जानकारी दे दें कि लाडली बहनों को सरकार ने राखी के त्योहार पर 250 रुपए का तोहफा दिया। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं रघुनंदन शर्मा, उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जो लोग राखी का त्यौहार मनाते हैं, जो इस त्यौहार को मानते हैं, उनको ही 250 रुपए की राशि मिलनी चाहिए। रघुनंदन शर्मा के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सोच में विभाजन है, ये लोग हिंदू मुस्लिम को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने रघुनंदन शर्मा के बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने कहा कि पार्टी सभी धर्म और समाज को साथ लेकर चलती है। राखी का उपहार, शुरू हुई तकरार। जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। बयान पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सीधा सीधा हमला करना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं पे, ताकि ये बांट के राजनीति कर सकें। आज की तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि ये मेरी हिंदू बहन है, ये मेरी मुस्लिम बहन है, सभी बहनें हैं। और मुख्यमंत्री ने भी सभी को बहनें माना है, लाडली बहनों को। आज मध्य प्रदेश क्या संदेश दे रहा है रघुनंदन शर्मा जी जैसे पूर्व सांसद के रूप में। राम रहीम का सहारा, बीजेपी ने किया किनारा। हमारी भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। प्रधानमंत्री योजना में अगर हमने पीएमवाई में अगर मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया, उज्ज्वला कनेक्शन हमने सलमा को दिया तो सीता को भी दिया। इसी तरह से जो जनहित की योजनाएं होती है वो सबके लिए होती है। बहनों को सौगात, धर्म पर क्यों बात। मध्य प्रदेश में बहनों को राखी पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले तोहफे पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने रघुनंदन शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा करेंगे। और बीजेपी नेता के बयान पर अब सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो बहनों को तोहफा दिया गया, धर्म पर क्यों बात, ये एक बड़ा सवाल है। ये धर्म की बात आ क्यों जाती है और किसकी है समाज को बांटने वाली सोच। सवाल वही आ गया फिर से, कौन बांट रहा है समाज को। और सरकार की योजना में, कोई भी योजना हो, कोई भी सरकार हो, उसमें ये हिंदू मुसलमान होने की जरूरत क्या है। बेहद खास मेहमान, बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपसे परिचय करवा देते हैं। संजय त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, सिद्दीकी साहब का भी स्वागत। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा प्रदीप अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि मामला रघुनंदन शर्मा से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर केशवानी सबसे पहले आपका रिएक्शन, और इससे इतर कि बीजेपी उनके इस बयान से इत्तफाक नहीं रखती, पर वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है। डॉक्टर केशवानी प्लीज। शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं को, लाखों लाख कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम तो निश्चित ही हम भाजपा सरकार जो है जी, वो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलती है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम करने वाले लोग हैं। और जो जन कल्याण की योजनाएं होती हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, जितनी भी योजनाएं लेके आई हैं, हम कभी कोई भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं। अगर हमने उज्ज्वला कनेक्शन अगर सलमा को दिया तो सीता को भी देने का काम किया, हमने अगर राम को पीएमवाई के मकान दिए तो रहीम को भी देने का काम। फिर ये बात कहने की नौबत क्यों आ जाती है। रघुनंदन शर्मा ये भी बताएं कि लाडली बहना योजना में अगर राम ने वोट किया
तो रहीम ने भी वोट किया है क्योंकि उसकी पत्नी को भी फायदा मिला है, उनके वोट भी लौटा देने चाहिए केसवानी साहब। नहीं नहीं, वोट वोट सबने दिया है और जन कल्याण हमारा, हम जो सरकारें हैं संवैधानिक उस पे चलती हैं और निश्चित रूप से सबके सबका अधिकार है। हम सामने अगर जिस योजना से लाभान्वित करने का काम किया है वो सबके लिए किया है। माननीय रघु जी ने जिस तरह से इंगित किया है जिस चीज को, उन्होंने एक जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने इस बात को बोलने का काम किया कि चूंकि त्यौहार हिंदू त्यौहार है और उसमें इस चीज को है, पर हम उस चीज में भेदभाव नहीं करते। सब योजनाएं हैं, हर हर त्यौहार इस देश में गंगा जमनी तहजीब है, हम हर त्यौहार मिलजुल कर मनाने वाले लोग हैं। और उन्होंने जिस तरफ इंगित किया है इशारा, निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता है, जब हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व हम निर्णय लेते हैं, जब वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को भी सोचेंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं आऊंगा आपके पास फिरोज सिद्दीकी साहब। सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन, आप तो राखी बनवाते होंगे मेरा ख्याल है सिद्दीकी साहब। बिल्कुल, मेरा आप सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। जी जी प्लीज कंटिन्यू, सीखने मिलेगा। और साथ में ये भी कहूंगा मैं कि आखिर ये सब बातें हो क्यों रही। आप देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन का त्योहार के लिए दिया है, हर्ष की बात है, अच्छी बात है, चलो बहनों के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन अकेले पे क्यों करते हैं? क्रिसमस पे भी करें, गुरु पर्व पे भी कर दें, वो बुद्ध पूर्णिमा में भी कर दें, महावीर जयंती में भी कर दें, ईद पर भी कर दें, तो बहनों को ज्यादा लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने कहा था 6 महीने में हम 3,000 रुपए लाडली बहनों को दे देंगे, तो वो आप दीजिए 3,000 रुपए, ये 250 रुपए दे के वो भी रक्षाबंधन पे, तो ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देना है सभी धर्म सभी त्योहारों पे दीजिए ताकि हमारी बहनों को लाभ मिले। सभी बहनें इस देश में सब त्योहार मिलजुल के मनाए जाते हैं, कोई राखी नहीं, कोई ईद नहीं, सब त्योहार सबके लिए एक समान है और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। ये भारत की परंपरा है जिसका मैं चाहता, कांग्रेस पार्टी चाहती कि निर्वहन हो। और आपने जो संकल्प पत्र में वायदा किया था कि 3,000 रुपए 6 महीने में कर देंगे, वो 3,000 रुपए करिए। ठीक ठीक, संजय त्रिपाठी सर आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये जो बयान आया इसको लेकर रिएक्शन, अब ये कुछ कभी कभी बयान हेडलाइंस के लिए आ जाते हैं और कभी कभी कुछ बयान त्रिपाठी सर नैरेटिव सेट करने के लिए भी आते हैं। पहले मैं वाक्य को उछालूंगा, फिर उसके मानी निकाले जाएंगे, फिर उस पर और कुछ निकल कर आएगा। संजय सर देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो घोषणा की है रक्षाबंधन के दौरान 250 रुपये अतिरिक्त देने का, जो लाडली बहना योजना के तहत, वो एक अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। अब जहां तक रही बात पॉलिटिक्स की, तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो नेता रघुनंदन शर्मा जी, रघुनंदन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया, बयान देने के पीछे कुछ न कुछ वजह होगी। वजह यह है कि आपने देखा होगा कि जो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता पत्र रूप से नाराज भी। उनका कहना यह है, दबित जो जुबान वो ये भी कहते हैं कि जिस वर्ग को हम जो योजनाएं हमारे देश में पीएम नरेंद्र मोदी चलाते हैं, इसके अलावा जो प्रदेश में चलती हैं, उन सभी योजनाओं का फायदा मुस्लिम वर्ग के महिलाएं मिलती हैं, मुस्लिम वर्ग लेता है लेकिन वोट नहीं देता। हमारा ज़्यादा सोचना है, इसीलिए ये बयान जो रघुनंदन शर्मा जी ने दिया है कि जब वो रक्षाबंधन नहीं मनाती हैं मुस्लिम महिलाएं, तो उनको इसका लाभ क्यों दिया जाए? तो एक तरफ देखा जाए सही भी है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका विकास सबका साथ, तो सही कैसे है ये जी? सही क्यों लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, क्योंकि सही से लगता है, क्योंकि देखिए उनका पीएम मोदी का नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो उसी विकास को देखते हुए मोहन यादव ने ये निर्णय लिया है कि जो भी हमारी बहनें हैं खासकर रक्षाबंधन, उनको यह लाभ मिले, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है। आप इस लिहाज से सही बोल रहे हैं, मुझे लगा कि रघुनंदन सर की बात को लेकर तो सही नहीं बता दिया आपने। मैं आ रहा हूं आपके पास, रघुनंदन शर्मा जी ने जो बयान दिया है उनका दर्द यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले हैं, उस परिणाम का दर्द उनके बयान में झलका है। हालांकि बयान सही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा अपने आप में सबको बताता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो उसी का त्रिपाठी सर उत्तर प्रदेश के दर्द, हमने ये निर्णय लिया उत्तर प्रदेश के दर्द का विश्लेषण करेंगे ना तो बहुत सारे बयान और भी आ जाएंगे। दो दो उप मुख्यमंत्री है वहां। खैर प्रदीप अवस्थी साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्या होगा। आ रहा हूँ आपके पास प्रदीप अवस्थी सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कैसे इस बयान को देखा जाए? सवाल वही है, क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है?
और क्या ये बयान आगे तक जाएगा आपको लग रहा है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिनंदन जी ने बयान किस संदर्भ में दिया है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहन यादव जी ने उसी के तहत घोषणा की है और वो सबके लिए है, और कोई उसमें पार्शियलिटी बरतने वाली बात नहीं है। त्योहार वाली बात एक अलग है, लेकिन महिलाओं को 250 रुपए देने का जो रक्षाबंधन पे उन्होंने दिया है, उन्होंने जो घोषणा की है वो बहुत ही अनुकरणीय है। अगर कांग्रेस ने कभी 1 रुपया दिया हो बहनों को बताएं। जी जी चलिए वापस। हाँ ठीक ठीक, कांग्रेस से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, एतराज नहीं होना चाहिए, कम से कम योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने क्या कभी फायदा पहुंचाया है? बहुत शॉर्ट में प्लीज, फिर मैं केसवानी साहब के पास जाऊंगा। शायद इनको जानकारी नहीं है, मध्य प्रदेश में तेलंगाना की सरकार हमारी और कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए देती है बहनों, और 450 रुपए का सिलेंडर देती है। हिमाचल की सरकार हमारी 1500 देती है, और ये योजना तो प्रियंका गांधी जी की डिजाइन की हुई थी, और ये सबसे पहले हिमाचल में लॉन्च हुई। आप जवाब दीजिए कि आपने 6 महीने में 3000 देने का वायदा किया था, उसको क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? और जो एक भाई कह रहे थे कि भाई योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम समुदाय भी लेता है, हम भी कहते हैं कि हाँ लेता है। भारत का संविधान है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार हो, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। टैक्स भी तो मुस्लिम समुदाय देता है, जब आप जीएसटी लेते हो जब तो आप हमसे कहते नहीं हो कि आप जीएसटी क्यों दे रहे हो। आपने नोटबंदी में हमें भी लाइन में लगा दिया, तो हमने तो नहीं कहा कि साहब आपने क्यों हमें लाइन में लगा दिया। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। एक तबका है, एक तबका है, मुस्लिम तबका, सनातन संस्कृति का देश है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, कोई भी सरकार को ये अधिकार नहीं है ये कहने का। और ये हिंदू मुस्लिम और बांटना, ये तो देश की कोई भी चुनी हुई संवैधानिक सरकार को यह शोभा नहीं देती। मैं आऊंगा आपके पास, चुनावी लिस्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल रहेगा, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर केसवानी, सुना होगा आपने फिरोज सिद्दीकी साहब को, सुना बाकी के जो मेहमान, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए ललित जी, फिरोज सिद्दीकी जी 100% राजनीति करने का काम कर रहे हैं, इनको 3000 की चिंता है, और ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। हमने क्या कहा था उस चीज पे नहीं जाएंगे, हमने जो फिगर कहे थे उस पे नहीं जाएंगे, इनको सिर्फ 3000 वाला फिगर पूरे चुनाव में गए, जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया इनका, तब भी सबक लेने का काम नहीं कर रहे। हमने स्पष्ट रूप से कहा था यह योजना 1000 से चालू होगी और 3000 रुपए तक पहुंचेगी, और हम बढ़ाना काम करना शुरू कर दिया हमने, 1000 से 1250 भी कर दिया हम उस योजना में। तो ये पैनिक क्रिएट करने का काम न करें, ये बांटने का काम न करें। ये 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 अभी बोल रहे थे कि श्रेय लेने का प्रियंका जी ने काम किया था, अरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस कोई काम करती होती ना तो जनता हम पे इस तरह से विश्वास नहीं जताती। 20 सालों से जनता हम पे सतत आशीर्वाद देती आ रही है फिरोज जी, और आपका सुपड़ा साफ होता जा रहा है धीरे धीरे, डे बाय डे। आप मध्य प्रदेश में तो लोकसभा में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया, तो आप उससे सबक लीजिए, चिंता करिए, झूठ भ्रम और भय फैलाने का काम मत करिए, जनता अच्छा नहीं मानती है, और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा। अरे नहीं केसवानी साहब, आप तो एकदम मतलब कांग्रेस मुक्त किए दे रहे हैं, ठीक है मध्य प्रदेश की बात ठीक है, पहली बार हो रहा है कि 10 साल बाद ये स्थितियां बनी है कि विपक्ष हेडलाइंस गेन कर रहा है, इसे तो आपको मानना पड़ेगा केसवानी साहब। फिरोज सिद्दीकी साहब, मैं आ रहा हूं प्लीज केसवानी साहब। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस की तरफ से बातें आती हैं, आरएसएस बीजेपी विभाजन का काम करती हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ नहीं किया गया, ऐसी योजनाएं हैं मसलन हज, आप भी जानते होंगे हज की जो सब्सिडी है उससे जीएसटी को कम करना, परसेंटेज को कम करना, बच्चियों के लिए योजनाएं, बंपर योजनाएं चल रही हैं, बंपर पैसा मिल रहा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, मोदी गवर्नमेंट दे रही है। सिद्दीकी साहब देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो मदरसों की अभी बात, 2016 से मदरसों में जो है फंड्स नहीं दे रही केंद्र सरकार। आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जिसमें
रिसर्च और पीएचडी स्कॉलर्स निकला करते थे, आपने उसका बजट बंद कर दिया। माइनॉरिटीज के मंत्रालय का दिन पे दिन बजट कम करते जा रहे हैं। मैं सवाल करूंगा केसवानी जी से कि देश का सबसे बड़ा दूसरा ये समुदाय है मुस्लिम अल्पसंख्यक, आपने एक आदमी को टिकट नहीं दिया लोकसभा में, आप पूरे 20 साल बहुत मार्के का सवाल, एक एक जवाब ले लिया जाए। केसवानी साहब, योजनाओं में बंपर आप मदद कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है मुस्लिमों को बीजेपी में? केसवानी साहब बहुत शॉर्ट में प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है फिरोज जी ने, वैसे अधिकार इनका नहीं है पर आपके माध्यम से किया है तो मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो फिरोज जी को यह बताना चाहिए ललित जी कि जब हमने यहाँ से मध्य प्रदेश से भोपाल से जब कैंडिडेट एक बार नहीं दो नहीं तीन तीन बार हमने कैंडिडेट देने के काम किए, तो क्या आपके आप मुस्लिम समुदाय ने हमको जिताने का काम किया क्या? वहीं से इनके दूसरे मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट जीतते आए, पर हमारा भाजपा को जो कैंडिडेट हमने दिया पर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक दल है ललित जी, मैं कोई गोल घुमा के बातें नहीं करूंगा आपसे बैठ के, हम भी राजनीतिक दल है, हम भी इस चीज को देखते हैं। जब हमने एक बार दिया दो बार दिया, अगर आप दो दो बार तक नहीं जिताते तो निश्चित रूप से हमें कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। हमने तो अपना विश्वास जताया, अब जनता का विश्वास आना चाहिए कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो उम्मीदवार भी देती है, लाडली बहना की स्कीम भी देती है, EMI की स्कीम देती है और जन जन मैंने शॉर्ट में मैंने आपसे शॉर्ट में रिएक्शन लिया था। प्रदीप अवस्थी साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, हालांकि ऑडियो में कुछ जर्क है। प्रदीप जी प्लीज। ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश के मदरसे जितने भी हैं उनके मदरसों का कोई भी अचीवमेंट नहीं, मदरसों में सिवाय जो है धार्मिक चीजों पे पढ़ाने के अलावा धन के आधार पर इस देश में शिक्षा चलनी ही नहीं चाहिए। जो ये मदरसों की जो पद्धति है ये गलत है, मूर्ख है। मैं इनसे जवाब जानना चाहता हूं कि ये मदरसों ने आज तक दिया क्या है? कोई साइंटिस्ट दिया हो, कोई जो है वो दिया हो, कुछ किया हो तो बताए। ठीक ठीक सिद्दीकी साहब बहुत शॉर्ट में। देखिए ऐसा है, देश के भोपाल से एक राष्ट्रपति निकले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हम लोगों को गर्व है। वो गुड़िया दाई की गली में मदरसों से ही उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया। बहुत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन IAS अफसर दिए भाई। मदरसा जो है वो मुस्लिम उर्दू, वो मुस्लिम स्कूल नहीं है, वो जो है एक उर्दू स्कूल, प्राथमिक उर्दू स्कूल की तरह है। मध्य प्रदेश सरकार जो है उसके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनके सिलेबस पे काम करता है, वो मदरसे पढ़ते हैं, और जो दीनी तालीम के जो धार्मिक शिक्षा के मदरसे हैं वो मस्जिदों में चलते हैं। जो मदरसों में भी आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, और जो जो हिंदू बच्चों को दिखाया जा रहा है मदरसों में उनके बारे में भी दो शब्द भाई आप ये बताइए, जो बेहद गरीब बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं, ये उसका मतलब ये है कि वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका नाम मदरसा हो सकता है। काम कर रही है, अभी ताले लगाने का काम किया है, एक एक मदरसा चार चार लोगों का अनुदान लेने का काम कर रहा है। करेगा, आपने अनुदान दिया कब है श्रीमान? 2016 से आपने उनको पैसा नहीं दिया, 2000 रुपए कंटिजेंसी के देते हैं, आपने नहीं दिया उनको शिक्षा के, आपने पूरे मदरसे बंद करने का पापी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कंटिजेंसी दिए जाते हैं। यार आप दुर्गेश भाई, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप कैसे नहीं समझ पा रहे इन चीजों को? ये पाप बार बार करते रहेंगे, अगर फर्जीवाड़े को रोकना पाप है तो हम ये फर्जीवाड़ा अगर चल रहा है ये तो आप मानेंगे, केसवानी साहब फर्जीवाड़ा अगर चल रहा है शिवपुर में, अगर 49 मदरसे ऐसे हैं जो ग्रांट ले रहे थे, लेकिन जो बात, अरे ठीक संजय सर भी जुड़े भाई, सुविधाएं तो दीजिए। ठीक फिरोज जी प्लीज, संजय त्रिपाठी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास हम एक बार चलेंगे। संजय सर आपने सुना तमाम बातें निकलकर आई, बयान से हम मदरसे तक पहुंच गए हैं, इन सब के बीच अगर आपको लगा हो कहीं एक एक टिप्पणी आपकी हो जाए। देखिए अगर मदरसों को लेकर बात की जाए तो मदरसों में क्या होता है ये सबको पता है। अभी दो दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी खासकर भिंड की तरफ से, वहां पर मदरसों में किस तरह से
फर्जी एडमिशन हिंदू जो बच्चे हैं उनके किए गए थे और एक बहुत बड़ी खबर भी अखबारों में छपी थी। तो मदरसों में क्या होता है सबको पता है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। यही कारण है कि मदरसों को बंद करने या मदरसों को अनुदान देने का काम जो है ना सरकारें कम कर रही हैं। मदरसों में वास्तव में अगर अच्छी पढ़ाई या जो जिस तरह मदरसे जिसलिए खोले जाते हैं उसके लिए अगर वो संचालन करें तो ठीक है, बाकी मदरसों में क्या होता है सबको पता है। तो मदरसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक रवैया वो एक तरह सही है, देश हित में होना चाहिए। जी नहीं, दरअसल प्रियंक कानून को एक बार कहीं गए थे, उन्होंने दबिश दी, जब वो दबिश देकर वापस आए तो हमारे साथ जुड़े। हमने सवाल भी किया कि भाई सरकार आपकी है, लगातार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो मॉनिटरिंग भी तो आपकी तरफ से ही होगी। त्रिपाठी सर, नहीं बिल्कुल, मारे इसमें सरकार की भी गलती है। सरकार अगर जिस तरह से वहाँ पर एडमिशन हुए हैं हिंदू खासकर लड़कों के फर्जी तरीके से दस्तावेज लगा करके, उसमें सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो भी दोषी है, उनको वहाँ पर सब चेकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन इसके अलावा ये सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी तो है, लेकिन जो इनकी भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह काम नहीं करें मदरसों में जो मतलब जिस तरह परिणाम सामने आए। ठीक मैं बहुत कम वक्त के लिए आपके पास आना चाह रहा हूं प्रदीप सर, फाइनल कमेंट आपका। मैं सर एक ही बताता हूं कि दक्षिण भारत में जो मदरसे हैं केरल और आंध्र प्रदेश, इनसे जुड़े आईएस के कंसर्न भी जुड़े हुए हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। मदरसे जो है बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बारे में भी कहा जाता है कि ये आतंकवाद की जननी है। ठीक, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली, अब वो बहुत अच्छी बात आपने कही, पर हमें ध्यान ये भी देना होगा कि सतना से कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की ISI के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। एक बड़ा वैज्ञानिक भी गिरफ्तार किया जाता है, वैज्ञानिक काइंड ऑफ अधिकारी गिरफ्तार किया जाता है, संघ से जुड़ा हुआ है, दस्तावेज लीक करने का आरोप है। देश धर्म पे नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं बात होनी चाहिए। सवाल यह है, सवाल जांच के हिसाब से होना चाहिए। खैर, एक बयान को लेकर हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छी चर्चा हुई। और बयान एक निकल कर आया था जो रघुनंदन शर्मा जी ने दिया, बहुत समझदार हैं। क्यों ये बयान निकल कर आया, ये निश्चित तौर पर एक सवाल उनके लिए होगा। इसी सवाल के साथ दर्शकों का बहुत धन्यवाद।